नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स जो मल्टी बैगर हैं लेकर आए हैं। आप इनको पढ़िए, सीखिए और स्वयं से रिसर्च कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और उसके बाद आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छे शेयर हैं। पहला शेयर है जो वो हमने स्टील कास्टिंग सेक्टर से लिया है, जिस शेयर ने एक वर्ष में 202% का रिटर्न दिया है। और दूसरा शेयर हमने ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन से लिया है, जिसने एक साल में 563% का रिटर्न दिया है। दोनों ही शेयर बहुत शानदार है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, दोनों ही प्रोग्रेसिव है, दोनों ही आगे रिटर्न दे सकते हैं और दोनों पर ही जो बाजार के जानकार है वो अच्छा बोल रहे हैं। चलिए वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला शेयर हमने लिया है वो हमने स्टील इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स का लिया है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, इसका BSE कोड है 500128। डक्टाइल आयरन DI पाइप्स, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स DIF, कास्ट आयरन CI पाइप्स के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी है और पिग आयरन का उत्पादन और आपूर्ति भी करती है। डक्टाइल आयरन पाइप, टेक्सटाइल आयरन फिटिंग, डक्टाइल आयरन फ्लेंज पाइप और रेस्टेंट जॉइंट पाइप, इसके अतिरिक्त ECL कास्ट आयरन पाइप, मेटलर्जिकल कोक, स्पंज आयरन, सीमेंट, हीरो सिलिकॉन, पिग आयरन और पावर भी कंपनी बनाती है। इसका पोर्टफोलियो है ये। इसकी उपस्थिति USA, UK, मध्य पूर्व, खाड़ी एशिया, अफ्रीका के देशों में भी है। भारत से 84% रेवेन्यू आता है, 16% निर्यात से आता है। इसकी 5 विनिर्माण सुविधाएं हैं, 3 पश्चिम बंगाल में, 1 तमिलनाडु में और 1 आंध्र प्रदेश में। पावर है जो 43 मेगावाट का यह निर्माण करती है। कंपनी ने 340 करोड़ कैपेक्स पर खर्च किए हैं और अपनी कैपेसिटी 6.80 लाख MTPA से बढ़ाकर 8.95 MTPA की है। इसके जो ग्राहक हैं, इसरो, बोइंग कॉरपोरेशन, दोहा मेट्रो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, फाइजर सुविधा, उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कारगिल, BMW, WWTP, ओखला, भारत का नया संसद भवन, अबूद स्टेडियम, कतर फ्रेंच परमाणु केंद्र, ये हैं इसके ग्राहक। कंपनी का फोकस लागत में कमी, वैकल्पिक बाजारों की खोज, कच्चे माल के लिए दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। मार्केट कैप 10,234 करोड़ है, कीमत 172 रुपए है, पी 13 है, सेक्टर पी 26 है, बुक वैल्यू 86 रुपए है, डिविडेंड 0.52% देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 15.60% है, ठीक है। फेस वैल्यू 1 रुपया है, पिछले 5 वर्षों में 32.30% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी। प्रमोटर्स ने अपनी 2.14% की इक्विटी बढ़ाई है पिछले तिमाही के मुकाबले। इसके हम FY23 और FY24 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर मार्च 23 और मार्च 24 के देख लेते हैं। सेल 7276 करोड़ थी, जो बढ़कर 7478 करोड़ हो गई। OPM 10% से 16% हो गया, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। नेट प्रॉफिट 316 करोड़ से बढ़कर 740 करोड़ हो गया। EPS 5.31 रुपए से 12.44 रुपए हो गया। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स, अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। OPM बढ़ना, मार्जिन का बढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो नेट प्रॉफिट भी 316 करोड़ से 744 करोड़ हो गया। प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। 5 वर्ष की CAGR सेल है जो वो 23% के हिसाब से बढ़ी है, 5 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 32% है, 5 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 60% है, जो 7% या 6% FD पे मिलती है। रिजर्व 5051 करोड़ है और बोरिंग है जो 2332 करोड़ है, ज्यादा नहीं है कर्जा। कैश एंड कैश IP है जो 1229 करोड़ की है, तो 2332 करोड़ का अगर बोरिंग है तो 1229 करोड़ तो कैश ही है। इन्वेस्टमेंट भी है 204 करोड़ की, तो अच्छी बैलेंस शीट है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है। कैश एंड कैश फ्लो 49 करोड़ है, कैश की कोई दिक्कत नहीं आती कंपनी को, अपने सोर्सेज से ही इसके पास सरप्लस रहता है कैश। प्रमोटर होल्डिंग 40.22% है, FII 19.70% है, DII 36% है, 0.36% है, गवर्नमेंट के पास भी 0.23% है, गवर्नमेंट मींस LIC वगैरह। पब्लिक के पास 33.47% शेयर है, तो दोस्तों ये 20% के करीब तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही है। इसके दाम 172 रुपए है, 13 की पी पर मिल रहा है, सेक्टर पी 26 है, आधे दामों पर मिल रहा है। बाजार के जानकार कहते हैं कि 3 से 6 महीने में 260 रुपए तक जा सकता है, अकोमुलेट कीजिए। न्यूज है कि बोर्ड ने उड़ीसा में डेक्टाइल पाइप्स और फिटिंग प्लांट के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है, अधिग्रहण करने की जरूरत मंजूरी। 1 वर्ष में 202%, 3 वर्ष में 355% की रिटर्न दी है। इसको कवर करने वाला एक ही विश्लेषक है जो इसकी मजबूत खरीद की राय दे रहा है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 197 रुपए और 5 वर्ष की 322 रुपए। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 320 रुपए तक जा सकता है। तो दूसरा शेयर हमने दोस्तों लिया है, तो उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया तो अभी तक, और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दूसरा शेयर हमने लिया अद्वैत इन्फोटेक इंफ्राटेक लिमिटेड पावर, अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड, इसका BSE कोड है 5432 30 543230। अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन, पावर सबस्टेशन और दूरसंचार अवसंरचना क्षेत्रों के लिए उत्पाद और समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में लगी है। इसके अलावा यह ट्रंकी दूरसंचार परियोजनाएं, पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन और दूरसंचार उत्पादों की स्थापना आदि जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के साथ भी काम करती है। कंपनी के ग्राहकों में केंद्रीय और ट्रांसमिशन कंपनियां, भारत और विदेशों की प्रमुख EPC कंपनियां, निजी बिजली ट्रांसमिशन उपयोगिताएं आदि शामिल है। मार्केट कैप 1937 करोड़ है, कीमत 1890 रुपए है, 52 वीक हाई एंड लो 1949 रुपए और 273 रुपए है, बुक वैल्यू 72 रुपए प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड जो बहुत अच्छी है 37.90% है। कितना रिटर्न देती है कैपिटल पे आप कंपनी अंदाजा लगा सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इक्वली गुड है, 37.60% है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 57.5% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो वो 27.20% है जो बहुत ज्यादा है, अच्छा है, बेंचमार्क से कहीं ऊपर है। डेटर डेज 126 डेज से 75 दिन रह गए हैं जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट बचना, इसका जो पैसा रियलाइज 175 दिन में होता, 126 दिन में होता था वो अब 75 डेज में होने लग गया, इससे इसके इंटरेस्ट की बचत होती है। हम इसके YOY रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं, हम FY23 और FY24 के रिजल्ट देखेंगे। सेल है जो FY23 में 103 करोड़ थी जो 209 करोड़ हो गई है FY24 में, लगभग डबल। OPM 16% से 17% हो गया, नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 22 करोड़ हो गया, लगभग 3 गुना। EPS 7.96 रुपए से 21.45 रुपए हो गई,
बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है। इसके पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, किसी भी कंपनी के 5 साल के पैरामीटर उस कंपनी की हिस्ट्री बताते हैं जो हमें ध्यान से देखनी चाहिए। 5 साल की CAGR सेल है जो 49% है, बहुत ज्यादा अच्छी है। 5 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 57% है, ये और भी ज्यादा अच्छी है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्ष की 315% है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। 1 वर्ष की तो 578% CAGR है स्टॉक प्राइस की। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 5 वर्ष में 57% है। रिजर्व 63 करोड़ है, बोरिंग 59 करोड़ है, कैश फ्लो प्लस 25 करोड़ है, कैश की कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 73.53% है, पब्लिक के पास 26.48% है। तो जो हम इसकी CAGR जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी 3 वर्ष की जो स्टॉक प्राइस है वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो एवरेज है वो इसकी 57 दिखा रहा है। ये रिजर्व है जो 63 करोड़ के हैं, बोरिंग 59 करोड़ है, कैश फ्लो प्लस 25 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 73.53% है, पब्लिक के पास केवल 26.48% शेयर है। आज का प्राइस 1890 रुपए है, सेक्टर P58 है, P88 है इसकी, थोड़ी ज्यादा नजर आती है लेकिन इसकी ROE को देखते हुए यह बहुत कम है। कंपनी को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन से 16.27 करोड़ का एक फ्रेश ऑर्डर मिला है, यह न्यूज है इसकी। कंपनी को एक ऑर्डर 43 करोड़ का भी मिला है। बाजार के जानकार कहते हैं कि एडवेट एक लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, कई गुना रिटर्न देने के लिए मजबूती से खरीदे और बने रहिए। 1 वर्ष में 563% की रिटर्न दी है इसने, 3 वर्ष में 312% की। तो आप इसकी रिटर्न नहीं देख सकते हैं, 1 साल में कितनी है या 3 साल में भी बहुत अच्छी है। 1 साल में के इसका एक फोरकास्टिंग कंपनी 2,222 रुपए बता रही है, अनुमान लगा रही है इसका 2,222 रुपए होने का 1 वर्ष में, और 5 वर्ष में 6,900 रुपए बता रही है, जो काफी अच्छा है, अग्रेसिव है। हमारी टीम का अनुमान है यह 3 साल में 5,000 रुपए तक जा सकता है। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, उसके लिए हमारी टीम की ओर से धन्यवाद, थैंक यू।